हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी मौत से पहले कहे थे कुछ शब्द। जी हाँ, उन्होंने किया था अपने दिल का हाल बयां, लेकिन शायद इस पर नहीं किया किसी ने गौर। 5:43 पर उन्होंने किया था ट्विटर पर एक ट्वीट, लेकिन जिसके बाद उन्होंने उसे तुरंत ही डिलीट कर दिया। वेल, आपको बताने वाले हैं कि उन्होंने क्या कुछ लिखा था। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल फिल्मी बीट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, ताकि आपको मिल सके मोर अपडेट्स। वेल, दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने क्या कुछ लिखा था अपने सुबह के 5 बजे वाले ट्वीट में। यानी कि वो पूरा दिन भर प्लान कर रहे थे कि अपनी ज़िंदगी को किस तरह से ख़त्म करें। वेल, उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें पहले से ही प्लान थी। आपको बता देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ लिखा था। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, वी मैन आर नॉट आस्क्ड अबाउट आर हेल्थ, आर मेंटल स्टेट, आर लाइव्स, आर थॉट्स, वी आर नॉट ट्रीटेड दैट वे। आई नो आई हैव बीन थ्रू अ लॉट लेटली, आई हैव बीन ट्राइड ऑफ ट्राइंग सो मच हार्ड, इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी विथ यू पीपल, आई डोंट नो व्हाई आई एम ट्वीटिंग दिस। ये उनका पहला ट्वीट था, जिसके बाद उन्होंने बैक टू बैक दो ट्वीट और किए। उसी में उन्होंने लिखा कि आई हैव फॉट बैक हार्ड विद लाइफ, आई विल बी डिलीटिंग दिस ट्वीट्स इन अ वाइल, सो जस्ट सम ऑफ यू नो दैट आई एम डन विद दिस मेडिकोर सक्सेस, आई डोंट वॉन्ट फेम एनी मोर, दैट्स ऑल, सो पीसफुल येट सो डिस्टर्बिंग टू हैंडल। इसके साथ साथ उन्होंने एक हॉट ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, आई एम एंडिंग ऑल दिस फॉर गुड, going far yet so close to you people, maybe after this people try to communicate with other rather than holding on to the thoughts, see ya at the other side, goodbye। तो देखा, सुशांत सिंह राजपूत ने अपने दिल का हाल बयां किया। जी हाँ, वो काफ़ी परेशान चल रहे थे, शायद वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुश नहीं थे। ये ट्वीट्स तो कुछ यही बयां करते हैं, और इन ट्वीट से ये भी पता लगता है कि वो मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब थे और शायद अब वो इस फेम को हैंडल नहीं करना चाहते थे। वेल, दोस्तों, जो भी था, ये सुशांत सिंह राजपूत ने सुबह के 5 बजे के बाद ये ट्वीट किए थे, और उसके बाद तुरंत ही इन ट्वीट्स को डिलीट कर दिया, जिसमें उन्होंने खुद ही मेंशन किया कि मैं ये ट्वीट डिलीट करने वाला हूँ, ताकि कुछ ही लोग जान पाएँ कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। फिलहाल तो वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उनके फैंस अभी भी बहुत दुखी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।